सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए कैनाकोड 0.1% ओरल पेस्ट। यहाँ पर कैनाकोड ओरल पेस्ट का क्या यूज है, कब इसको यूज करना चाहिए, कितने दिनों तक यूज करना चाहिए, ये यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं और यूज करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होता है और ये किस प्रकार काम करता है, तो कैनाकोड 0.1% ओरल पेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं कैनाकोड 01 ओरल पेस्ट, जो कि हमारे पास 5 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 82.75 यानी कि 82 रुपये के करीब इसकी MRP है। कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट को एबॉट्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा ट्यूब भी बनाती है। कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है ट्राइएमसिनोल 01% वेट बाय वॉल्यूम। कैनाकोड 01 ओरल पेस्ट का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज मुंह में साले और रूमेटाइड्स ऑर्थराइस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में किया जाता है। सरल भाषा में बताए तो इसका यूज अगर आपके मुंह में कुछ छाले वगैरह हुए हैं या फिर आपके मुंह में कुछ ज्यादा ही कुछ छाले हो गए तो उसको ठीक करने के लिए सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका बताया तो इसको आप खाना खाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हल्के हाथ से अपने जहाँ पे आपके छाले वगैरह हुए उस एरिया पे लगाए, सब जगह इसको न लगाए और इसको सुबह शाम लगा सकते हैं। उसको कम से कम 3 से 4 दिन यूज करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट किस प्रकार काम करता है? कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि ट्राइएमसिनोल्स, वो एक स्टोर से ये मुँह में सूजन, लाली और दर्द का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक वेसल्स के निर्माण को अवरुद्ध करके काम करता है। यह मुंह की गीली सतहों पर चिपक कर और अल्सर्स क्षतिग्रस्त सतहों पर सुरक्षात्मक परत बनाकर ऐसा करता है। कैनाकोड 01% अगर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से यूज नहीं करें, यानी कि आपको रिलीफ मिल गया फिर भी आप इसका यूज कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। साइड इफेक्ट्स में आपको होगा आपके इस्तेमाल वाले जगह पे जलन्स या संक्रमण का बढ़ा हुआ खतरा या सिरदर्द या जोड़ों का दर्द या इंजेक्शंस वाली जगह पे रिएक्शन या दर्द या सूजन या लालिमा हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू यूज नहीं करें क्योंकि एक स्टोरेज दवा है, तो स्टोरेज दवा को कंटिन्यू यूज नहीं किया जाता है। कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियंस या अपने फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस लें, बाद में जेल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से जेल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। कैनाकोड 01% ओरल पेस्ट का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।